दोस्तों, स्टार प्लस के शो साथ निभाना साथिया की पॉपुलैरिटी का ही नतीजा है कि अब जल्द ही इसका सीजन 2 टीवी पर आने वाला है। लेकिन भले ही इसका सीजन 2 आने वाला हो, लेकिन लोग अभी भी इसके पहले सीजन को भूले नहीं। लेकिन दोस्तों, इस शो को उस समय इतना पॉपुलर बनाने वाले कलाकार अब के समय में काफी बदल गए हैं। कुछ तो इतने बदल गए हैं कि आप उन्हें एक नजर में पहचान नहीं पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको साथ निभाना साथिया के ऐसे ही कलाकारों से रूबरू करवाने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नंबर 1 पर है देवोलीना भट्टाचार्य। अभिनेत्री देवोलीना भट्टाचार्य शो गोपी की मुख्य अभिनेत्री की भूमिका निभाकर एक घरेलू नाम बन गई। इस शो के बाद वो लाल इश्क और बिग बॉस 13 में भी दिखाई दी, लेकिन शो में सीधी सादी गोपी बहू का किरदार निभाने वाली ये अभिनेत्री आज 34 साल की उम्र में बहुत ही बोल्ड अभिनेत्री बन गई है। उनका लुक मॉडर्न हो चुका है, साथ ही उन्होंने अपना हेयर स्टाइल भी बदल लिया है। लेकिन आज भी इनका अभिनय करियर जारी है और साथ ही ये इस शो के सीजन 2 में नजर आने वाली है। वहीं बात करें इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, तो बता दें कि इस समय वो अपने को स्टार विशाल सिंह को डेट कर रही हैं। नंबर 2 पर हैं भाविनी पुरोहित। अभिनेत्री भाविनी पुरोहित ने गोपी की तेज तर्रार बहन राधा का किरदार निभाया था और अपने किरदार के साथ ही घरेलू नाम बन गई थी। इस शो के बाद उन्हें आखिरी बार जाना ना दिल से दूर शो में देखा गया, लेकिन इस शो में राधा की भूमिका निभाने वाली ये अभिनेत्री इन बीते सालों में बहुत बदल गई। आज वो 29 साल की हो चुकी हैं, लेकिन तब ये धारावाहिक में काफी सिंपल लगती थी, वहीं आज ये काफी सुंदर लगती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस समय में उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड धवल दवे से सगाई कर ली है और जल्द ही उनसे शादी करने वाली हैं, इसलिए इनका अभी टीवी पर आने का कोई इरादा नहीं है। नंबर 3 पर है सुंदर कौर। अभिनेत्री लवलीन कौर ने शो में शातिर परिधि मोदी का किरदार निभाया था, जो जिगर मोदी की दूसरी पत्नी थी। इस शो में काम करने के बाद इन्होंने किसी भी शो में काम नहीं किया और टीवी से दूरी बना ली, लेकिन शो में परिधि का किरदार निभाने वाली ये अभिनेत्री आज बहुत बदल गई है। ये आज 30 साल की हो चुकी हैं, लेकिन इस शो में वो साड़ी पहने हुए सुंदर लग रही थी, जबकि आज ये मॉडर्न ड्रेसेस पहने हुए हैं। पहले से भी कहीं ज्यादा ये अब खूबसूरत नजर आती हैं। आपको बता दें कि इन बीते सालों में इन्होंने अपने बॉयफ्रेंड कौशिक कृष्णमूर्ति से शादी की और एक बेटे की माँ बन चुकी है, इसलिए आज वो टीवी से दूर है। नंबर 4 पर है रुचा हैनाबिस। इस शो में राशि की भूमिका निभाकर अभिनेत्री रुचा बेहद लोकप्रिय हो चुकी हैं। उन्होंने शो को बीच में छोड़ दिया था और अपने प्रेमी राहुल जगदाले से शादी कर ली थी। शादी के बाद अपने निजी जीवन में ये व्यस्त रही और एक्टिंग को अलविदा कह दिया। ये पिछले 5 साल से इंडस्ट्री से दूर हैं और पिछले काफी सालों में ये काफी बदल गई। अब ये 32 साल की हो गई हैं और पहले से बहुत अधिक खूबसूरत लगती हैं। इस सीरियल में इनका किरदार काफी सिंपल दिखाया गया था, लेकिन एक बेटी को जन्म देने के बाद आज ये काफी स्टाइलिश और बोल्ड दिखाई देती हैं। नंबर 5 पर है जिया मानिक। डेबोलीना से पहले शो में सीधी सादी गोपी बहू का किरदार जिया मानिक निभाती थी, लेकिन 2 साल में इन्होंने शो छोड़ दिया था। इसके बाद ये झलक दिखला जा और जीनी और जूजू जैसे शो में दिखाई दी, लेकिन साथ निभाना साथिया की ये सीधी सादी गोपी बहू आजकल काफी बदल गई है। यह 34 साल की हो चुकी है, लेकिन पहले की तरह सीधी नहीं है, लेकिन आज ये बहुत ही मॉडर्न और स्टाइलिश है। आपको बता दें कि आज भी उन्होंने अपने करियर को जारी रखा है और हाल ही में ये मनमोहिनी 2 में दिखाई दी थी। तो दोस्तों, आप बताइए कि इन सभी कलाकारों में से आप किसको साथ निभाना साथिया के सेकंड सीजन में देखना चाहते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। साथ ही फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।